सरकार से हम यही बार बार मांग कर रहे थे कि आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि आप क्या कीजिएगा बीएड वालों के साथ, उसके बाद 1-5 की परीक्षा लीजिए, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। मंत्री कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सरकार का मतलब यहाँ मुख्यमंत्री, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री का कोई महत्व नहीं है। सच्चाई बोल रहे हैं आप, ज्यादा मत बुलवाइए ना। एग्जाम जो इस बार हुआ है, ऐसी परीक्षा हमने आज तक नहीं देखी थी। जिस तरह की व्यवस्था की गई है, उस आंदोलन का जो असर हुआ वो अब दिख रहा है कि इतना सुधार हुआ है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन। मेहनत आपका रंग लाया जी, बिल्कुल मेहनत हमारा तो लाया ही, समस्त स्टूडेंट्स का मेहनत रंग लाया जिन्होंने हमारा साथ दिया। यही व्यवस्था दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब बहाली में लागू, तमाम जो बिहार के एग्जाम हो उसमें इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था लागू होने चाहिए, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं कमलेश। बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हुई, और बात करें छात्र नेता दिलीप की, लगातार जो है एग्ज़ाम को लेकर के कहते रहे हैं कि साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, यानी जो धांधली होती है उसको लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, कमान कंट्रोल से तमाम जिले 3800 जिलों में कंट्रोल किया जा रहा था, एक एक सेंटर को वहां से जो है सीसीटीवी कैमरा माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा था। इसी भी बात करेंगे छात्र नेता दिलीप, क्या कहेंगे इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ, क्या लग रहा है, कैसा रहा होगा एग्ज़ाम? देखिए, एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है, ऐसी परीक्षा हमने आज तक नहीं देखी थी। जिस तरह की व्यवस्था की गई है, मैं उस बारे में बोल रहा हूँ। हमने खुद एग्जाम दिया, यूपीएससी, बीपीएससी और पीसीएस अदर स्टेट में जाके भी दिया एग्जाम, लेकिन इस तरह की व्यवस्था मैंने नहीं देखी थी। और लगातार जो 6-7 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, स्कॉलर जो बैठता है वो रुके, सेंटर मैनेज रुके, और पिछले साल जो आंदोलन हुआ बीपीएससी में सड़क पे हुआ, इसी तरह बरसात में अगस्त में ही 31 अगस्त को, जिसमें हम लोग मार भी खाए, बहुत सारे अभ्यर्थी को चोट लगी, हमें भी लगी, उस आंदोलन का जो असर हुआ वो अब दिख रहा है कि इतना सुधार हुआ है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन। मेहनत आपका रंग लाया जी, बिल्कुल मेहनत हमारा तो लाया ही, समस्त स्टूडेंट्स का मेहनत रंग लाया जिन्होंने हमारा साथ दिया, समस्त मीडिया बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, साथ दिया स्टूडेंट्स का, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और यही व्यवस्था दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब बहाली में लागू, तमाम जो बिहार के एग्जाम हो उसमें इस तरह की व्यवस्था लागू होने चाहिए, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से जो है छात्र हर बार आरोप लगाते थे पेपर लीक हो गया, लेकिन इस बार जो किया नहीं, गया, इस बार कहीं से कोई खबर नहीं है कि पेपर लीक हो या किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, क्योंकि व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त की गई है ना, मैंने कहा ना, चेकिंग भी की जा रही है, बिल्कुल चेकिंग की जा रही है कि कोई ब्लूटूथ या कुछ भी डिवाइस लेके नहीं जा सकता है, तो बहुत मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुआ है, तो बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। यही व्यवस्था अन्य बहालियों में लागू, हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन दिलीप जी, एक सवाल रहेगा कि बीएड के अभ्यर्थी अभी भी परेशान, एग्जाम तो दे दिए, अब जो है वो सोच रहे हैं कि 1-5 का क्या होगा, रिजल्ट भी आ गया तो क्या करें? सरकार से हम यही बार बार मांग कर रहे थे कि आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि आप क्या कीजिएगा बीएड वालों के साथ, उसके बाद 1-5 की परीक्षा लीजिए, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। अभी जो परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में बैठे थे उनके मन में भी यही चल रहा होगा कि परीक्षा तो दे रहे, हमारा क्या होगा, तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार ने ये गलती किया है जो कि स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ। अतुल प्रसाद तो कह रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम के बाद जो है चेंज करने का भी ऑप्शन हम देंगे, तो अभ्यर्थी क्या करेंगे जो बीएड किए हैं, डीएलएड नहीं किए? ये स्वागत योग्य कदम है कि जिन्होंने डीएलएड भी किया, बीएड भी किया, लेकिन बीएड से फॉर्म भरा, तो उनको एक मौका दिया जाएगा। नहीं किए वो क्या करेंगे? तो उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो पहले भी कहा कि सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए पहले। अब कितनी बार चेंज होगा, संशोधन तो कितनी बार होगा? सरकार को एक बार स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि बीएड वालों के साथ क्या किया जाएगा, उसके बाद एग्जाम होता। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सरकार का मतलब यहाँ मुख्यमंत्री, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री का कोई महत्व नहीं है। सच्चाई बोल रहे हैं आप, ज्यादा मत बुलवाइए ना, जो सच्चाई हम एक लाइन में बोल दिए कि मंत्री का कुछ नहीं चलता, नहीं चलता, वो तो देखने से पता चलता है ना, किसी का नहीं, किसी का नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी का चलता है, बाकी प्रधान सचिव, सचिव ये है, वो लोग मुख्यमंत्री का चलेगा, मुख्यमंत्री का ही तो चल रहा है, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री जी का भी चलेगा, लेकिन वो चाहेंगे तब, चाहेंगे तब। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि इस बार जिस तरह से परीक्षाएं हुई है तो हमें उम्मीद है किसी भी तरह का धांधली नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी बीपीएससी ने किया था, तो आगे भी जितने भी एग्जाम हो इसी तरह का व्यवस्था हो, ताकि बिहार में जो धांधली होती है, सेटिंग होती है, वो नहीं हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।